हे गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं माइक्रोवेयर H2 स्मार्टवॉच का अनबॉक्सिंग करूंगा एंड आप लोगों को मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन दूंगा। तो ये जो स्मार्टवॉच है, इसका प्राइस है ऑलमोस्ट $85, मतलब 5000 रुपीज़ के आसपास। एंड इसको आप गियर बेस्ट का वेबसाइट से परचेस कर सकते हो एंड इसका बेस्ट बाय लिंक आपको मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको इससे बेटर स्मार्ट वॉच आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इवन 10,000 रुपीस में भी आपको इस तरह का स्पेसिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसका स्पेसिफिकेशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या फीचर है इसमें। तो सबसे पहले इस स्मार्ट वॉच को अनबॉक्स करते हैं। तो आपको इस तरह का एक ब्लैक बॉक्स मिलेगा जिसके ऊपर स्मार्ट वॉच लिखा हुआ है। तो इस बॉक्स को ओपन करते ही आपको आपका स्मार्ट वॉच दिख जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रख लेते हैं। एंड इसके अंदर आपको एक और ब्लैक बॉक्स मिलता है एंड इस बॉक्स के अंदर आपको व्हाइट कलर का एक मैग्नेटिक चार्जर मिलता है। तो इस चार्जर से आपका स्मार्ट वॉच को चार्ज कर पाएंगे एंड ये जो चार्जर का पिन है वो मैग्नेट से बना हुआ है। तो वॉच की बैक में ये चार्जर का पिन मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाता है। एंड इस ब्लैक बॉक्स के अंदर आपको एक और चीज़ मिलता है जो कि एयर फ्रॉम चाइना। तो चलिए फटाफट से इस स्मार्ट वॉच का ओवरव्यू देते हैं। तो इस स्मार्ट वॉच का डायल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो इस स्मार्ट वॉच का तीन वेरिएंट आता है, कलर स्कीम तीन है। एक है ब्लैक जो मैंने लिया है एंड दूसरा है स्टील कलर का, मतलब सिल्वर कलर का, जो रोशन भाई लिया है। एंड एक और वेरिएंट आता है जो कि गोल्ड कलर का। तो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है लेकिन मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, तो इसलिए मैंने इस ब्लैक वर्जन को परचेस किया है। परचेस नहीं किया है, गियर बेस्ट ने मुझे सेंड किया है रिव्यू के लिए। सो थैंक यू गियर बेस्ट। एंड इस स्मार्ट वॉच में आपको सिलिकॉन का एक बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रैप मिलता है जो कि नॉन रिव्यूबल है। एंड इसका डायल का राइट साइड में आपको दो कीज़ मिलता है, एक है बैक की एंड एक है पावर ऑन ऑफ की। एंड उसके मिडिल में आपको एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो इस स्मार्ट वॉच का बैक साइड में आपको एक हार्ट रेट सेंसर मिलता है जिससे आपका हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। एंड एक सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, इसका मतलब ये जो स्मार्ट वॉच है वो एक स्टैंड अलोन मोबाइल की तरह भी काम करेगा। आप इस स्मार्ट वॉच से आप कॉल वगैरह कर सकते हो या फिर रिसीव भी कर सकते हो। एंड उसके साइड में आपको मिलता है एक मैग्नेटिक चार्जर पोर्ट। तो चलिए फटाफट से इस स्मार्ट वॉच को टर्न ऑन करते हैं। तो इसके लिए आपको इस स्विच को लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा एंड वाइब्रेशन फील होते ही ये स्मार्ट वॉच टर्न ऑन हो जाएगा। तो अब मैं आपको इस स्मार्ट वॉच का स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो 1.39 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा एंड इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 400x400 पिक्सल्स। पिक्सल डेंसिटी है 326, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा शार्प है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 3G सिम का सपोर्ट मिलेगा एंड इसका ब्लूटूथ वर्जन है 4.0 एंड एंड्रॉयड वर्जन है एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप। आपको मार्शमेलो नहीं मिलता है, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। एंड इसका प्रोसेसर की तरफ चलते हैं आप, तो इस स्मार्ट वॉच में आपको 2.4 GHz ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर मिलता है। जस्ट किडिंग गाइस। तो इस स्मार्ट वॉच में आपको 1 GHz क्वाड कोर MTK6580M प्रोसेसर मिलता है एंड इसका रैम है 1 GB एंड इंटरनल मेमोरी है 16 GB। तो इसका मतलब यहाँ पर आप टेम्पल रन, सर्वर सफर्स के जैसा गेम्स आप स्मूथली यहाँ पर रन कर सकते हो। तो वॉच को पहली बार टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा लैंग्वेज सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको हिंदी एंड बंगाली भी मिलेगा, तो मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपके सामने एक और पेज आएगा जहाँ पर आपका हाइट, वेट एंड वॉक टारगेट का गोल सेट कर दीजिए एंड प्रोसीड कर दीजिए। वहाँ पर आपको एक WWI वॉच नाम का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन से आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हो जो मैं फ्यूचर में एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल मैंने इसको स्किप कर दिया है। तो ये रहा इस स्मार्ट वॉच का डिफ़ॉल्ट वॉच फेस जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारा वॉच फेसेस मिलेगा जो मैं आपको शॉर्टली दिखाऊंगा। तो अगर आप ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे तो आपके सामने आपका बैटरी परसेंटेज, आपका डेट टाइम एंड आपका सिम कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड आपका जो ब्लूटूथ स्टेटस है वो नज़र आएगा। एंड अगर आप वहाँ पर आप स्वाइप राइट करेंगे तो आपके सामने आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो आ जाएगा जहाँ पर से आपका ब्राइटनेस हाई, लो एंड मीडियम रख सकते हो। तो मैंने मेरा ब्राइटनेस को हाई कर दिया है जिससे आपको क्लियरली सब कुछ नज़र आएगा। वहाँ पर आपको डेटा, वाईफाई, लोकेशन, ब्लूटूथ का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो मैंने मेरा वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है स्मार्ट वॉच को। एंड नोटिफिकेशन पैनल से अगर आप स्वाइप राइट करेंगे तो आपका स्टेप्स, आप कितना डिस्टेंस चले हो वो सब वहाँ पर आपको शो करेगा। एंड अगर आप आपका वॉच फेस से स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो आपको आपका नोटिफिकेशन शो करेगा, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर कोई भी एप्लीकेशन का जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एंड स्वाइप राइट करने पर आपके सामने
आपका इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का लिस्ट नज़र आएगा, जैसे कि मैसेजिंग, कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन कॉल, फोटोज़, कैमरा, ब्लूटूथ कॉलिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको वॉइस सर्च, प्ले स्टोर, फाइल मैनेजर, ब्राउज़र, म्यूज़िक एंड बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो अबाउट सेक्शन में जाके आप इस स्मार्ट वॉच का डिटेल्स देख सकते हो। एंड अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते हो या फिर अगर आपका डिवाइस में सॉफ्टवेयर कोई भी अपडेट आएगा तो आप अबाउट सेक्शन से आप उस फॉर्मेट को अपडेट कर सकते हो। तो चलिए फटाफट इस कैमरा से कुछ फोटोज़ एंड वीडियोज़ कैप्चर करते हैं। तो ये रहा कैमरा का इंटरफेस। तो चलिए कुछ फोटोज़ एंड वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो आपका फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को आप गैलरी से ओपन कर सकते हो या फिर कैमरा से भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो आप देख सकते हो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है, मतलब इससे बेटर क्वालिटी मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ये रहा कुछ फ़ोटोज़ का सैम्पल्स। तो फोटो के ऊपर डबल टैप करने पर जूम हो जाएगा एंड फिर से डबल टैप करने पर और भी ज़्यादा जूम हो जाएगा। तो आप मेरा वीडियो का कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसका फ़ोटो एंड वीडियो का क्वालिटी कैसा लगा। एंड आप प्ले स्टोर से गेम्स वगैरह एप्लीकेशंस जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फेसबुक का लाइट वर्जन को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये जो फेसबुक का नॉर्मल वर्जन है वो बहुत ज़्यादा हेवी है, आपका फ़ोन मतलब आपका वॉच लैग भी कर सकता है अगर आप फेसबुक का जो मेन वर्जन है अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो। एंड अगर आप आपका स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले को स्क्वायर करना चाहते हो तो उसके लिए आप नीचे वाला बटन को लॉन्ग प्रेस करो, तो वहाँ पर आपको उसका ऑप्शन मिल जाएगा। एंड उस बटन को लॉन्ग प्रेस करने पर आपको रिसेंट टास्क का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो उससे आप जो भी एप्लीकेशन प्रीवियसली यूज़ किया है उसको स्वाइप करके आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो चलिए आप इस वॉच का वॉच फेसेस की तरफ चलते हैं। तो वॉच फेस को एक्सेस करने के लिए आप जस्ट होम स्क्रीन में लॉन्ग प्रेस कीजिए एंड वहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारा वॉच फेस मिल जाएगा, तो जो आप एक एक करके चेक करके देख सकते हो, जो भी आपको पसंद आए आप उस वॉच फेस को अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप और भी वॉच फेस डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप वॉच फेसेस का एकदम एंड में चले जाइए, तो वहाँ पर आपको एक प्लस बटन मिल जाएगा। तो प्लस आइकन में क्लिक करने पर आपको और भी बहुत सारा वॉच फेस मिल जाएगा, तो डाउनलोड बटन में क्लिक करके आप उस वॉच फेस को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा वॉच फेस पसंद आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरा चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर में फॉलो भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए ग्रेट डे।